गाइस ये रहे काला जामुन। मेरे को लगी है भूख तो मैं खा लेता हूँ जल्दी से गाइस, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। तो गाइस ये रसगुल्ले कौन से हैं पता है गाइस? एक गोलू दादा के बर्थडे के रसगुल्ले हैं गाइस, तो आप लोग भी खा लीजिए गाइस। मेरे को तो भूख लगी बहुत तेज़। तो गाइस देखो धूप कितनी तेज़ पड़ने लगी है गाइस, लाइट नहीं आ रही ना, लाइट के कारण गाइस मैं छत पे बैठा हुआ हूँ। लाइट आ जाएगी तो फैन में बैठूंगा जाके, क्योंकि नीचे बहुत ही गर्मी लग रही है ना। हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरा एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग से ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है गाइस, यानी कि छत से, तो आप लोग समझ ही सकते हो। तो फिलहाल अभी टाइम हो चुका है 7:34 गाइस। मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि हमारे इधर बरसात नहीं हो रही है और आज त्यौहार भी है साड़ी का। तो गाइस त्यौहार में कुछ नया ही होना चाहिए, तो नया तो हो ही गया ही घर पे। तो फिलहाल मेरा तो टाइम वैसे ही कटेगा जैसा कटता है। तो फिलहाल अभी टाइम हो चुका है 6:53, यानी कि 7 ही बजने वाले हैं गाइस। शाम का समय है, आज तारीख है 13 जुलाई। तो आप लोग जानते हैं गाइस, जब मैं घर पे रहता हूँ तो गाइस स्टूडियो की तरह वीडियो मेरे को शूट करना पड़ता है, क्योंकि कहीं जाते नहीं है, कहीं जाते हैं तो गाइस ब्लॉग वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि अरे घर की छोटी मोटी चीज़ दिखाने में मज़ा भी नहीं आता है ना गाइस। तो फिलहाल इधर का माहौल तो सब ऐसा ही है गाइस, और कुछ भी नहीं गाइस। आप लोग देख ही चुके हो गाइस कि हमारा डे कैसे गया। नहीं देख चुके हो गाइस, मैंने दिखाया ही नहीं कुछ, नहीं देख चुके हो गाइस, दिखाना पड़ेगा गाइस, सब्र रखो। ब्लॉग वीडियो बनाएंगे, इंटरेस्ट ब्लॉग वीडियो बनाएंगे किसी दिन गाइस, ठीक है। तो गाइस आप लोग बैकग्राउंड में देख ही सकते हो गाइस, वही बैकग्राउंड है और वही ट्राइपॉड, वही मोबाइल, वही वॉइस। तो गाइस थोड़ा चेंजिंग हुआ है ड्रेसिंग में बस। तो फिलहाल एक खुश खबरी की बात ये है मेरे चैनल पे, क्योंकि मेरे 300 वीडियोस प्लस होने वाली हैं 2-3 दिन के अंदर। और दुखी बात ये है, मतलब टेंशन की बात ये है, मतलब इग्नोरिंग की बात ये है, मतलब पॉजिटिव वाली बात ये है कि सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहा है गाइस। 300 प्लस वीडियो होने वाली हैं इस चैनल पे गाइस, और सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हो रहा है गाइस। वॉच टाइम माइनस हो जाता है अब गाइस, व्यूज भी माइनस होने लगे हैं, कि चैनल में भी डिफरेंस आने लगा गाइस। व्यूज भी कभी कदार कम हो जाते हैं वीडियोस पे, कभी ये बढ़ जाते हैं, और गाइस वॉच टाइम भी माइनस प्लस होता रहता है। ऐसा क्यों? यूट्यूब खुद करता है ऐसा, मेरे बस की कुछ नहीं है उसमें, ना किसी की बस की है अरे चैनल संभालने की। जितने भी क्रिएटर है ना, वो सिर्फ इतने ही काम करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, काम चलाते हैं बस, बाकी तो सब यूट्यूब देखता है कौन कैसा बंदा काम कर रहा है कैसा नहीं, समझ रहे हो ना गाइस। तो मेरे बस की कुछ भी नहीं है चैनल में कि मैं अपने चैनल को सही संभाल लें, व्यूज बढ़ा लें, सब्सक्राइबर बढ़ा लें। अगर ऐसा मैं कर लेता ना तो हर एक क्रिएटर चैनल पे अपने सब्सक्राइबर गेन कर लेता, व्यूज भी मिलियन पे पहुंचा लेता गाइस, अगर ऐसा ट्रिक होता कोई। ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, सब फेक है, दिखावटी है, कुछ भी नहीं है गाइस, समझ रहे। जो रियल्स है, खुद की मेहनत से कंटेंट बनाओ और खुद के चैनल पे अपलोड करो, बस वही रियल है, वही मजबूती है अपनी बस। और बाकी सब आप लोग देखते होंगे क्रिएटर लोगों को, तो ये करो वो करो, ये ट्रिक लगाओ वो ट्रिक लगाओ, चैनल आपका 20 दिन में 3 महीने में 4 महीने में 6 महीने में ग्रोथ हो जाएगा चैनल। तो गाइस चैनल की ग्रोथिंग होती है 6 महीना 1 साल 1.5 साल। अगर आपका कंटेंट इंट्रो की तरह है तो आपका चैनल 6 महीने में मोनोटाइज हो जाएगा, रेगुलर वीडियो डालोगे तब। और कंटेंट कोई अगर आपका ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग वाला है तो गाइस उसमें 1 साल या 1.5 साल भी लग सकता है गाइस, ऐसा मेहनत करना पड़ता है यूट्यूब पे। जब एक यूट्यूब की ग्रोथिंग बढ़ती है, जब एक कामयाबी हासिल होती है, समझ रहे हो ना गाइस। तो फिलहाल 300 तो वीडियो होने वाली हैं प्लस, और सब्सक्राइबर गेन। अब गाइस दिन पर दिन यही है कि वीडियो उठे या माइनस हो, वीडियो उठे या माइनस हो, क्योंकि अब चैनल ठिया पे आ चुका है ना, अब चैनल के समय आ चुका है ग्रोथिंग होने का, समझ रहे हो ना गाइस। अभी ये चैनल पता नहीं कौन से दिन ग्रोथ हो जाए, किसी को नहीं पता है,
ना मेरे को पता है, ये सिर्फ यूट्यूब वालों को पता कि चैनल कब ग्रोथ होगा। ये समझ लो अब ग्रोथिंग का समय आ चुका है गाइस। तो गाइस किसी दिन एकदम ग्रोथिंग पकड़ेगा हमारा चैनल। जो अब की बार ग्रोथिंग पकड़ लेगा ना चैनल, तो गाइस वो हमेशा के लिए ग्रोथिंग हो जाएगा चैनल, समझ रहे हो ना। अभी जो अरे गाइस पिछला वाला, अरे मतलब अभी जून में पिछले महीने में इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आया था वीडियोस पे चैनल पे, कुछ कहने के लिए नहीं, ग्रोथिंग भी होने लगी थी अच्छे खासी, व्यूज भी आने लगे थे और सब्सक्राइबर भी गेन होने लगे थे। फिर गाइस अभी अरे 15-20 दिन से फिर कुछ थोड़ा प्रॉब्लम चलने लगा था गाइस। लेकिन अब साल हो गया ना, वन ईयर्स हो चुका है गाइस। अब गाइस ये 1 ईयर्स तो हो चुका है हमारे चैनल पे। अब गाइस इंतज़ार उसी का है गाइस, इसका चैनल ग्रोथ हो जाए, सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाए और बढ़िया सा चैनल की रोटेशन बन जाए, बस फिर तो गाइस वीडियो लाएंगे बेटर। बस हमारी रेस जब स्टार्ट होगी जब चैनल ग्रो हो जाएगा। अभी चैनल ग्रो करने में थोड़ा छोटा मोटा वीडियो बना लेते हैं और सही भी कंटेंट नहीं बना पाते हैं। जब चैनल ग्रो हो जाएगा ना तब अच्छा कंटेंट बनाएंगे, अच्छी वीडियोस बनाएंगे, जब डालेंगे तब आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट आएगा गाइस, समझ रहे हो ना गाइस। तो अब मेरे को इंतज़ार बस उसी का है, सिर्फ चैनल ग्रो हो जाए। बस गाइस चैनल ग्रो हो जाए, बस सबरे दुख दुखदा सब दूर, ठीक है गाइस। आज के ब्लॉग वीडियो में इतना ही काफ़ी गाइस। देखो चेयर पे बैठा हुआ हूँ, आप लोग को जानते हैं गाइस चेयर पे बैठ के ब्लॉग मेरे को शूट करना ही पड़ता है गाइस। अगर गाइस कहीं छोटी मोटी चीज़ दिखाएंगे गाइस, मतलब घर पे दिखाने के लिए है ही क्या, ब्लॉगिंग में बस खाना दिखा दो, जहाँ जाओ छोटी मोटी चीज़ दिखा दो गाइस, दिखाते हैं गाइस, निराश मत होना गाइस, ऐसी बात नहीं है, हम आप लोगों को दिखाते हैं, खाते रहेंगे और दिखा भी रहे हैं गाइस। आई होप आप लोगों को हमारा ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस एकदम अभी नहा धो के फाइनली बैठा ही हुआ था गाइस, मैंने क्यों ना सोचा ब्लॉग एंड कर देते, तो गाइस वीडियो ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है, यानी कि वीडियो बन चुका है गाइस, वीडियो बन चुका है गाइस, मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा कितना बन चुका है गाइस। देखो 0:05:07 यानी कि 7:07:08 यानी कि 7 मिनट का वीडियो बन चुका है। अब जब वीडियो एडिटिंग करेंगे ना, ख़राब पार्ट अलग करेंगे और सही पार्ट को ज्वाइंट करेंगे, तब एक वीडियो सही से कंप्लीट हो पाता है गाइस। तो आज के ब्लॉग वीडियो में इतने ही काफ़ी गाइस, आप लोगों को बता ही चुके हैं, आप लोगों को समझ में आया ही होगा गाइस क्या मैं बोल रहा था क्या नहीं बोल रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए आप लोग अपने शरीर पर ध्यान दीजिएगा, अपनी सिचुएशन पर ध्यान दीजिएगा, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दीजिएगा, अपने आने वाले करियर पर ध्यान दीजिएगा गाइस। पास्ट के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने का क्या, अगर पास्ट के बारे में ध्यान दोगे तो ज़िंदगी भर पास्ट ही में सोचते रहोगे। फ्यूचर के बारे में ध्यान लगाना चाहिए, यानी फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए हर किसी व्यक्ति को, पास्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी, अपना करियर अच्छा समय लाना चाहते हो आगे, तो फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। अगर जो पास्ट के बारे में व्यक्ति सोचता है तो वह महामूर्ख होता है, समझ रहे हो, मतलब सोचा जाता है, मतलब ये थोड़ो ना कि अरे पास्ट के में सोचो और बस कुछ करो भी नहीं, ऐसा नहीं होता है गाइस, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए अरे किसी व्यक्ति को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए के टॉपिक्स, मतलब नए के टॉपिक के साथ में वीडियो। अरे गाइस क्या बोलते हैं बताओ, नए के टॉपिक के साथ में मिलते हैं, मतलब नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं, मतलब नए से वीडियो मिलते हैं, पता नहीं कौन सा वीडियो बना के डाल देंगे गाइस, लेकिन आप लोगों को पता नहीं, मेरे को पता रहेगा कि कौन सा वीडियो बनाएंगे ना। तो गाइस ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए गाइस, ठीक है गाइस, बस मेरे को इतना ही करते रहिए, बाकी सब मेरे पे ढील दीजिएगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, यानी कि अपने ऑडियंस को निराश नहीं करेंगे, वीडियो लाते रहेंगे, हम सोचते हैं कि हमारी कोई भी ऑडियंस निराश मत हो, ठीक है। इन द नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।